खबरों में आगे पढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी मिशन यूपी पर हैं। पिछले 17 दिनों से वो दूसरी बार वाराणसी पहुंचे हैं। लोकसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र का ये पहला दौरा होने वाला है। ऐसे में पीएम मोदी ने कल वहां पर 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किए थे। और आज वो आजमगढ़ जाएंगे, जहां पर वो यूपी समेत पूरे देश को करोड़ों रुपए की सौगात देने वाले हैं। बाबा विश्वनाथ खदरबार, पीएम मोदी ने की संकल्प साधना। अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र, मांगा 2024 में जीत का आशीर्वाद। सिर पर सजा श्रृंगार मुकुट, त्रिशूल उठाकर फूंका चुनावी बिगुल। और ये एक योगी के स्वरूप। चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी चंद दिन बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री का देशव्यापी तूफानी दौरा जारी है। एक दिन में 4 राज्यों का दौरे का लक्ष्य रखा। पूर्वोत्तर से लेकर पूर्वी भारत के 3 राज्यों में करोड़ों की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे। वाराणसी का ये दौरा बेहद खास है, क्योंकि पिछले 17 दिनों में प्रधानमंत्री का ये वाराणसी का दूसरा दौरा है। तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद वो पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं। पीएम पिछली बार 22 फरवरी को वाराणसी पहुंचे थे। वाराणसी में 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम का काफिला एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकला, सड़क के दोनों तरफ हजारों लोग स्वागत के लिए खड़े थे। लोकसभा के लिए तीसरी बार उम्मीदवार बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री पहली बार पहुंचे, लिहाजा भव्य स्वागत की तैयारी की गई थी। इस दौरान उन्होंने तकरीबन 28 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक 34 जगहों पर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का सड़क के दोनों ओर खड़े काशीवासियों ने अपने अंदाज में जबरदस्त स्वागत किया। शंखनाद, डमरू वादन और घंटा घड़ियाल बजाए और हर हर महादेव का उद्घोष किया। मोदी मोदी और मैं मोदी परिवार के नारे से काशी नगरी गूंज उठी। लोग मोदी मोदी के नारे लगाते रहे। प्रधानमंत्री भी हल्की मुस्कान के साथ कभी हाथ जोड़कर तो कभी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन कर रहे थे। एक घंटे के रोड शो के बाद प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। पीएम ने गर्भगृह में बाबा विश्वनाथ का भव्य षोडशोपचार विधि से पूजन किया। गर्भगृह में आरती, संकल्प के साथ प्रधानमंत्री ने तीसरी बार सरकार बनाने की कामना की। महंत ने उन्हें श्रृंगार मुकुट भेंट कर विजयी भव का आशीर्वाद दिया। आनंद भरत खंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंद वने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते असी वरुणयोर मध्ये कल्याणार्थं देशेस्मिन् सुख शांति। पीएम ने मंदिर की छटा निहारी और शिखर दर्शन भी किया। इस दौरान हर हर महादेव का उद्घोष जारी था। 30 मिनट तक पूजन के बाद वो मंदिर से बाहर निकले। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम ने मंदिर के बाहर त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का जय घोष किया। त्रिशूल दिखाकर चुनाव का बिगुल फूंका। पीएम काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करने के बाद सीधे बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस पहुंचे। वहां रात्रि विश्राम के बाद वो आज सुबह आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10:45 पर बीएलडब्ल्यू से हेलीकॉप्टर के जरिए आजमगढ़ रवाना होंगे, जहां से वो पूरे देश को 42,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। दोपहर 2 बजे वो आजमगढ़ से वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहीं से छत्तीसगढ़ की महतारी योजना की शुरुआत करेंगे और वर्चुअली एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। दोपहर 3:15 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी के आजमगढ़ में भव्य स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम यहां से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 9800 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिसके तहत देश के 15 एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। आजमगढ़ आज से देश के हवाई नेटवर्क से जुड़ जाएगा।
पीएम वहां बने मंदुरी हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। आजमगढ़ के अलावा प्रधानमंत्री यहां से चार जगहों चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती से लखनऊ हवाई यात्रा के लिए 19 सीटर वाले विमानों को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही ग्वालियर, कोल्हापुर, पुणे और जबलपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री दक्षिण के तीन शहरों कडप्पा, हुबली और बेलगावी हवाई अड्डों के तीन नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी आज आजमगढ़ से ही यूपी को कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। इसमें आजमगढ़ के लगभग 626 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शामिल है, जिसमें राज्य विश्वविद्यालय, रेलवे, सड़क परिवहन और आवास प्रोजेक्ट शामिल है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें 4 लेन की लखनऊ रिंग रोड के 3 पैकेज और NH2 के चकेरी से इलाहाबाद खंड को 6 लेन का बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित 3700 करोड़ रुपए की ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं के तहत उत्तर प्रदेश में 5,400 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री यूपी के लिए 8200 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री प्रयागराज, जौनपुर और इटावा में सीवेज प्लांट प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम वाराणसी से ही छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बड़ा बढ़ावा देने के लिए पीएम महतारी वंदना योजना के तहत पहली किस्त जारी करेंगे। इसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। ABP News आपको रखे आगे।